एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा को आज सुबह पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद सियासी हंगामा मच गया है, राजनीति में हलचल मच गई है। वहीं तेजिंदर बग्गा के पिता ने जो पूरा मामला बताया, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी मंजर हो सकता है। बग्गा के पिता प्रीतपाल ने पूरा जब मामला बताया तो हर कोई हैरान हो गया। उन्होंने कहा, आज सुबह मेरा बेटा तेजिंदर घर पर थे। सबसे पहले दो पुलिस वाले घर पर आए, इसके बाद पंजाब के 10-15 पुलिस वाले घर में आ धमके। उन्होंने मेरे चेहरे पर मुक्का मारा और तेजिंदर के बारे में पूछने लगे और तुरंत उसे गिरफ्तार करके ले गए। तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी के बाद पिता प्रीतपाल जनकपुरी थाने पहुंचे। उन्होंने पंजाब पुलिस पर उनके बेटे को किस तरह से गिरफ्तार कर ले गए पूरी घटना के बारे में बताया। बेटे की गिरफ्तारी से बेचैन पिता ने कहा कि घर पर जो पुलिस आई थी वो दिल्ली की नहीं थी बल्कि पंजाब की थी, और उनका ऐसा रवैया देखकर मैं भी हैरान हूँ। बता दें कि आज सुबह पंजाब पुलिस बग्गा के घर पर आई और उनको उठा कर ले गई। पंजाब पुलिस के 3 पुलिस वाले जनकपुरी थाने पहुंचे और इस घटना की जानकारी भी दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस से ये कहने लगी कि आपने हमें इस मामले की जानकारी पहले क्यों नहीं दी, क्योंकि पंजाब पुलिस सीधा दिल्ली पुलिस को जानकारी देने के बजाय सीधा बग्गा के घर पे पहुंची और उन्हें उठाकर गिरफ्तार करके ले गई। तो वहीं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं ने पंजाब की मान सरकार पर सीधा हमला करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब पुलिस का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है, कि कैसे पंजाब पुलिस मनमाने तरीके से काम कर रही है, दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं देती और सीधा तौर पर किसी को भी गिरफ्तार करने आ जाती है। बहरहाल आपको बता दें, मामला अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाला है कि किस तरह से पंजाब पुलिस आई और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को अभी अभी गिरफ्तार करके ले गई। और उनके पिता का बयान उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है जो उन्होंने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया है। तो वहीं अभी देखना होगा कि आखिर इस मामले में अभी क्या बयान आता है, बीजेपी क्या कहती है, आम आदमी पार्टी क्या कहती है, और खुद जब तक बग्गा इस मामले में सामने नहीं आते ये मामला यूं ही चलता रहेगा। इस मामले की हर अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहित आवाज़।